हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी बिंदु एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट जीके जीएस स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स। आई एम नॉट सिलेक्टेड ये टू गिव यू स्ट्रैटेजी, बट यस, मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2 ईयर हो चुके हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है टू गिव यू दैट स्ट्रैटेजी। मेरे जीके बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर है। मॉक में भी स्कोर 30+ अराउंड हो जाता है, एंड लास्ट 2 जब MTS एग्जाम हुआ है उसमें भी मेरा जीके का स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो इस बेसिस पे मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप कैसे जीके फॉलो करते। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो है जीके जीएस के स्ट्रेटेजी को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारा चीज़ कवर करेंगे, लाइक कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से सोर्स फॉलो करना है, यूट्यूब बुक्स मटेरियल एंड अदर्स फॉर स्टैटिक करंट अफेयर, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी सी, जीएस का सिलेबस है बहुत फास्ट, बट हमें सब कुछ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आप रिपीटर्स हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर का सवाल देखना। कुछ भी करने से पहले आप सबसे पहले जो करो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुक्स में इंडेक्स है। अगर नहीं तो वो भी ठीक है, आप यूट्यूब पे देन टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। देन आप जो मॉक्स देते हो, मॉक साइट पर भी आपको अलग से जीके सेक्शन के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो पहले देखो जो कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। वंस यू गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू वुड नो दैट आपके पास जितना भी टाइम रिमेनिंग है, मतलब 3 to 4 months अभी बाकी है एग्जाम के, आप इसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट सिलेबस, हम सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है सब्जेक्ट वाइज, देन एक है स्टैटिक, एंड देन एक है करंट अफेयर्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का स्पॉन्सर टेस्टबुक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टेस्टबुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी हम प्रेफर करते हैं अपने मॉक्स देने के लिए ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। अगर आप टॉपर्स के वीडियोस देखो या फिर इन जनरल किसी भी एग्जाम देने के लिए, उस एग्जाम के पैटर्न देखने के लिए आपको मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट बुक एक 1 ईयर के पास परचेस कर लो, देन आप उस पास के अंदर आप अनलिमिटेड एग्जाम्स दे सकते हो, अनलिमिटेड एग्जाम्स के मॉक्स। मतलब अब सिर्फ एसएससी नहीं, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के बहुत सारे, मतलब फुल मॉक, मिनी मॉक, चैप्टर टेस्ट, ये सारे सब कुछ दे सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आप ये दे सकते हो, तब आप फुल टेस्ट ना देकर चैप्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद। मतलब टेस्ट बुक के एक पर्सेस आपके बहुत वे में बेनिफिशियल हो सकता है। टेस्ट बुक पास प्रो में एक्स्ट्रा क्या है, टेस्ट बुक पास प्रो में, टेस्ट बुक पास में जितना सारा इंक्लूड किया है वो सब तो है ही, इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट मिलेगा। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बार री अटेम्प्ट कर सकते हो। सो टेस्ट बुक पे अभी एक ऑफर है, विनर थमा का ऑफर टिल 9th of December, जहाँ पे आपको टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ 359 रुपीज में मिल जाएगा, एंड इफ़ यू यूज माई कोड बिंदु यू विल गेट 10% ऑफ। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, टू चेक दैट आउट। तो आप बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एंड साइंस। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको करना है एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद पॉल साइंस एंड साइंस। साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट करना है, मतलब आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट करना है, एक एक नंबर का आता है ऑलमोस्ट। देन उसके बाद है ज्योग्राफी एंड लास्ट में है इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है फॉर सब्जेक्ट वाइज। पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सिलेबस में जो भी है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर मुझे बोलना है कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बोलूँगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, देन अर्ली मेडिवल वाला पीरियड, मतलब पल्लव, चोला, राष्ट्रकूट, ये सारे जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, तो सिलेबस में जो भी है सारा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। आपको करना है दिल्ली सल्तनत, देन मुगल हिस्ट्री, देन रीजनल डायनेस्टी में आपको विजयनगर किंगडम बहुत अच्छे से करके जाना है मेडिवल में। एंड और एक इंटरेस्टिंग बात बोलूँ, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल सल्तनत के जो आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग वाला पार्ट है वो एसएससी का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। टॉकिंग अबाउट मेडिवल, इसमें ज़्यादा कुछ स्किप करने जैसा नहीं है, फिर भी अगर मुझे बोलना है तो आई वुड से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, देन इसका सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन नेशनल मूवमेंट, एंड उसके बाद जो गवर्नर वाइसरॉय वाला टॉपिक है एंड उनके टाइम के जो जितने सारे इवेंट्स हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज। सो टॉपर्स का फेवरेट लूसेंट आपके पास होना ही चाहिए, देन और भी कुछ थ्योरी बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगी जो लूसेंट के साथ साथ आप फॉलो कर सकते हो। एक तो है पिनाकल की थ्योरी बुक, देन आर्यंत के जो बुक आते हैं भाई मनोहर पांडे, एक है वो, देन घटना चक्र आता है वो, एंड आप इसके साथ साथ किरण की एक बुक आता है, एनसीईआरटी स्पेशल बुक है, वो फॉलो कर सकते हो। तो ये 3-4 बुक्स मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप लूसेंट के साथ साथ कहीं भी एक फॉलो कर सकते हो फॉर बेटर प्रिपरेशन। देन टॉकिंग अबाउट फ्री सोर्सेज, एज मेंशन्ड इन थंबनेल, आई वुड रिकमेंड यू
बुक्स सभा के वीडियोस ये आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना। 3 से 4 मिनट का एक वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस हैं, सब आपको एनिमेटेड रूप में मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि हिस्ट्री में जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है टाइम का इशू, हमें याद नहीं रहता है कौन से इवेंट कब हुआ था, बट जब आप वो एनिमेटेड रूप में देखोगे आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। एंड बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटिफुली वे में आपको वो एक्सप्लेन किया है। एंड मैं अपनी प्रिपरेशन के पहले फेज में वो वीडियो फॉलो करती थी। ऑल द बुक्स सभा इज फॉर UPSC, बट आई कैन गारंटी यू आप रिग्रेट नहीं करोगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज। सो आप बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में टोटल 3 सेक्शंस हैं, एक तो है फिजिकल जियोग्राफी, देन है इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी हमारे SSC में नहीं आता है उतना, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इंडियन जियोग्राफी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इंडियन जियोग्राफी में ये सारे टॉपिक करना है। देन फिजिकल में भी बहुत सारे टॉपिक है, बट सब कुछ नहीं करना है, कुछ गिने चुने 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहाँ पे दे दूंगी, वो सारे आपको करना है। तो इंडियन जियोग्राफी में फिजियोलॉजिकल डिवीजन है, मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, देन आइलैंड, ये सारे टॉपिक है। इसमें आपको माउंटेन्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वाटर बॉडीज रिलेटेड जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक स्टैटिक में भी इंक्लूडेड है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। अगर आप रिसेंट के PIQs देखो तो मॉनसून, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, सॉयल, इन चारों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ साथ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर स्टैटिक। कुछ कुछ स्टैटिक टॉपिक छोड़ के जियोग्राफी बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आप वीडियोस के थ्रू लर्न कर सकते हो, स्पेशली फिजियोलॉजिकल डिविजन्स, देन रिवर सिस्टम, ये सारे टॉपिक आप वीडियोस के थ्रू अगर लर्न करो तो वो ज़्यादा आसानी होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो कुछ चैनल्स को मैं रिकमेंड करूंगी यूट्यूब में जिसके थ्रू आप जियोग्राफी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेरी चॉइस है केरियल उल्का विवेक सर का वीडियो। ऑल द केरियल उल्का टीचर है, बट यूट्यूब के इनका पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला है थंबनेल में कि पूरा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। विवेक सर का जियोग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डू चेक दैट आउट। देन मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है परसम क्लासेस की जियोग्राफी, जो मैंने खुद भी कुछ कुछ स्टैटिक वहाँ से फॉलो किया, जो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। देन थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी के स्टूडेंट्स के फेवरेट, वो है परमर SSC का क्लास। परमर SSC का पूरा 5 घंटे के कोर्स है, 1 शॉर्ट वीडियो है फॉर जियोग्राफी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी, जो अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट, मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक का पूरे जर्नी, एंड इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर सोर्सेस है जो बाकी वर्ल्ड से लिया गया है वो। सेकंड हम बात करेंगे पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हर एग्जाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एंड वो है आर्टिकल अमेंडमेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर ही आपको फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ड्यूटीज, ये सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड गवर्नमेंट बॉडीज। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स, मोशन, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट बॉडीज में से बहुत सारे बॉडीज है, बट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगेन बुक की अगर बात करें तो जितने भी बुक्स पहले मेंशन किए थ्योरी के लिए वही बुक फॉलो करना है। आपके पास अगर लूसेंट है वो इनाफ है, इसके साथ अगर कोई भी एक और बुक ले सकते हो तो वो भी ले लेना फॉर कंपेरिजन। अगेन आप YouTube से करना चाहते हो तो आई हैव सम रिकमेंडेशंस फॉर यू। तो फर्स्ट है वैदिक एकेडमी, जहाँ से मैंने मेरे पॉलिटिकल नोट्स कंप्लीट किया। इसका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक के एनिमेटेड वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो। इसका लिंक पूरा मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर एक बार चेकआउट करना। बट अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स करना चाहते हो, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा सब कुछ कंप्लीट करना है, तो आई हैव 2 रिकमेंडेशंस। एक तो है GB विटमेवर सर का वीडियो, 3.5 घंटे की वीडियो है, एंड परमर SSC का वीडियो है 6 घंटे की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके एकेडमिक में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं था, लाइक मी, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे जैसे एस्पिरेंट या फिर जिसका भी इकोनॉमिक्स नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है ये टॉपिक। पॉलिटी उतना डिफिकल्ट नहीं है, पॉलिटी ऑलमोस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप पहले भी ना पढ़े हो तो फिर भी ठीक है, बट अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहो तो मेरे सजेशन है कि आप पहले वीडियोज़ के थ्रू पढ़ो, देन उसके बाद आप कोई भी बुक्स लेकर पढ़ो, क्योंकि डायरेक्टली अगर बुक्स पे जाओगे तो कुछ चार्ट्स वगैरह है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टॉपिक्स व्हिच यू कैन नॉट मिस। एक तो 5-ईयर प्लानिंग, मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन है बजट, टैक्सेशन, इकोनॉमिक एक्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये 4 टॉपिक करंट के भी पार्ट है, करंट इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब वीडियोस, जहाँ से आप इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम जब नोट्स बनाई थी
तब राशिद सर एंड आफरीन मैम का वीडियोस फॉलो करते थे केरियल उल से, बट हाँ यूट्यूब में भी इन दोनों का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ साथ एसएससी व्लॉग्स नाम का भी एक चैनल है जहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज, आप चेक कर सकते हैं। मैंने भी 2-3 क्लासेस किए थे एंड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एक बार करने से। बट हाँ अगर आप क्रैश कोर्स की बात करें, मतलब एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आप कवर करना चाहते हैं, अगेन जीबी विट मेवर सर एंड परमन एसएससी सर का जो वीडियोस है वो आप फॉलो कर सकते हो। फॉर इकोनॉमिक्स बुक की बात करें तो लूसेंट एंड आप उसके साथ पिनाकल की जो थ्योरी बुक है वो फॉलो कर सकते हो एक बार वीडियोस गो थ्रू करने के बाद। चलो अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस अपने आप में बहुत वास्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि एसएससी में कौन कौन सा टॉपिक आता है। आप अगर अच्छे से देखो तो देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हर चैप्टर में आपको सिर्फ 3 से 4 आपको टॉपिक करना है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। सो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क फोर्स, एनर्जी, पावर, देन इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन ऑप्टिक्स एंड लास्ट में है डिस्कवरीज। डिस्कवरी रिलेटेड फॉर एग्जांपल किसने डिस्कवर किया है, कब डिस्कवर किया है, अवार्ड कब मिला है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। सो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं बहुत अच्छे से। एक तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब हम रेगुलर लाइफ में जो जो चीज़ यूज़ करते हैं उस रिलेटेड, एंड दूसरा है केमिकल फार्मूलाज एंड उसके रिलेटेड नेम्स, बस इतना ही। तो आप बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में भी करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट आपको देखना है एग्जाम में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी तो बहुत सारे सिस्टम्स है लाइक नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट आपको देखना है एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सो आपको ये करना है, ये 2 टॉपिक अच्छे से करना है। देन बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, हार्मोन, सेल, देन डिजीज, न्यूट्रिशन, ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली साइंस का कंटेंट लूसेंट से ज़्यादा आर्यंथ में अच्छा लगा, मतलब मनोहर पांडे वाला जो बुक है उसमें। अगर आपके पास अवेलेबल है वो फॉलो कर सकते हो। YouTube की बात करें तो आप साइंस के लिए परमा एसएससी के वीडियो को ही फॉलो कर सकते हो, पूरे 1 सेट वीडियो, मतलब साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट्स के 1 सेट वीडियो उसमें अवेलेबल है। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक ही वीडियो देख लेना, उसके बाद कहीं भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, देन उसके बाद वो सॉल्व करना एंड यू आर गुड टू गो। तो आप बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, एक तो है आर्ट कल्चर वाला टॉपिक एंड दूसरा है अदर्स पार्ट में रख रही हूँ बाकी सब कुछ। सो आर्ट कल्चर वाला टॉपिक में आपको क्या क्या करना है, इसमें है फोक म्यूजिक, फोक डांस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांसर्स, देन घराना, देन उसके बाद है प्यार फेस्टिवल, लिटरेचर, पेंटिंग, ये सारा चीज़ आपको आर्ट कल्चर में मिलेगा। देन अदर पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी से, जिसके बारे में पहले ही कुछ कुछ डिस्कस किया है। जियोग्राफी में टॉपिक्स लाइक लेक, डैम्स, माउंटेन पासेस, सॉइल, सेंसस, देन नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में से स्टैटिक पोर्शन में है टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर, फेमस प्लेसेस, ये सारी चीज़ें। देन बाकी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड, जितना आप कर सकते हो वो कम है, मतलब स्पोर्ट्स के सब कुछ आते हैं लाइक कप, ट्रॉफीज, टर्मिनोलॉजीज, डायमेंशंस, स्टेडियम, देन फेमस पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ये सब कुछ स्पोर्ट्स में आते हैं। तो स्टैटिक के बुक्स की अगर बात करें तो इफ़ यू हैव पिनाकल देन हैंड्स डाउन पिनाकल इज़ बेस्ट फॉर स्टैटिक एज पर आई नो, मतलब मैंने जितने भी बुक्स लिए हैं एंड मेरे पास बीइंग एन यूट्यूबर मेरे पास बहुत सारे बुक्स आते हैं, मुझे पर्सनली पिनाकल बहुत अच्छा लगा। अगर यूट्यूब वीडियोज़ की बात करें तो मैं बोलूँगा स्टैटिक के लिए ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जो आपको बार बार रिविजन की ज़रूरत है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, मतलब सिर्फ रिविजन करना है आपको, दिमाग में ना लाना है, कुछ समझने जैसा है नहीं। बट हाँ कुछ चैनल अगर आपको न्यूमेरिक्स के थ्रू याद करवाता है तो डेफिनेटली अच्छा है, अदरवाइज आप PDF एंड सिर्फ बुक पर डिपेंडेंट हो सकते हो। टेलीग्राम के कुछ चैनल्स के नाम मैं यहीं पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी जहाँ पर अच्छा खासा स्टैटिक का कॉन्टेंट मिलता है, वो भी फ्री में, तो वो सारे आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आप बात करते हैं आजकल लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक करंट अफेयर्स के बारे में। आप में से जो भी लोग करंट अफेयर्स डेली फॉलो करते हो, मतलब डेली करंट अफेयर्स करते हो, स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप UPSC या फिर कहीं और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो देन इट्स ओके फाइन, बट आप SSC के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हो देन डेली करंट अफेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप SSC के ट्रेंड देखो तो करंट अफेयर्स में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ना कि एकदम डीप। करंट अफेयर्स में SSC का कुछ फेवरेट टॉपिक्स है लाइक करंट अफेयर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये 4 टॉपिक SSC का फेवरेट है। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो भी आप कर लेना। अगर बात करें कितने टाइम के लिए आपको करंट अफेयर्स करना है तो देखो हमारे जो नेक्स्ट SSC का एग्जाम है अभी भी आई थिंक 4 से 5 मंथ्स बाकी है, तो आई थिंक 2023 के जुलाई अगस्त से आप अगर स्टार्ट करो तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल मई तक आपको आना चाहिए, मतलब आप मंथली कर सकते हो, मंथली प्रैक्टिस करो वही बेटर है, मैं भी मंथली प्रैक्टिस करती हूँ।
एंड इसके बाद भी आपको 2021 एंड 2022 के एक ईयरली जो कंपाइलेशन आते हैं बहुत से यूट्यूब चैनल से एंड आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ईयरली कंपाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CGL CHSL में भी मतलब इस बार जो हुआ है आप अगर अटेंड किए हो तो जानते हो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे करंट अफेयर्स आए हैं, मतलब 2023 के एग्जाम में भी 2020-21 के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, तुम अगर सोचो तो 21-22 आपको करना ही है करंट अफेयर्स, मतलब आप ईयरली कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हो। सो अगर सोर्स की बात करें तो अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप एग्जाम के कुछ टाइम पहले एक डेढ़ मंथ पहले वन ईयर कंपाइलेशन स्पीडी का जो वन लाइनर होता है वो ले सकते हो, या फिर अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो स्पीडी का बुक तो स्पीडी का PDF भी अवेलेबल है बहुत सारे चैनल्स पे, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स मैं मंथली या फिर कभी कभी वीकली करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ टेलीग्राम पे इंदुलोगस रवि आदित्य क्लास एंड वन इक्यू इन तीन चैनल को। एंड वन टिप फ्रॉम माय साइड, अगर आप एक बिगिनर हो मतलब आपका जीके का सिलेबस बहुत बाकी है तो आई वुड सजेस्ट यू आप अभी करंट अफेयर्स मत करो, एग्जाम के कुछ टाइम पहले एक डेढ़ मंथ पहले ही आप करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करो, वो भी मंथली कवर करो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है आपको अगर आप बिगिनर हो आपको SSC के जाननी बहुत टाइम लगेगा एंड करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है अगर आप डिटेल में करो तो बाद में आपको ये काम नहीं भी आ सकता है, तो आई से आप मंथली फॉलो कर सकते हो एग्जाम के जस्ट पहले। बट अगर आपके सिलेबस मोर ऑर लेस खत्म हो चुका है, आप एक रिपीटर्स हो दो तीन बार दे चुके हो, आपका अंदाज़ा है, तो आप मंथली वीकली जो भी फॉलो करना चाहते हो तो साथ साथ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप SSC क्रैकर्स को फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हम लोग रोज GK एंड इंग्लिश के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं क्विज के फॉर्मेट में। 2023 में ऑलमोस्ट एक डेढ़ मंथ में एक एग्जाम होता था तो पढ़ाई का प्रेशर भी रहता था, बट अभी 2024 का एग्जाम आने में ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स है। मैथ रीजनिंग चलो फिर भी ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आप खुद से कर लोगे, बट GK एक बोरिंग सब्जेक्ट है। यूजुअली हम क्या होता है जब बहुत टाइम बाकी होता है एग्जाम के तो हम उतना इफेक्टिव वे इतना प्रोडक्टिव वे में नहीं पढ़ते, क्विज का टॉपिक पहले से ही दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स जो मैं कल रात ही प्रिंट कर दी थी, तो मतलब आज के पूरे दिन आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए देखने के लिए, देन रात को जब क्विज होगा तो आप पार्टिसिपेट करना एंड एक कम्पिटिटिवनेस फील होगा आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60 लोग अटेंड करते हैं एंड क्विज में सिर्फ टॉप 20 को ही दिखाते हैं, आपको टॉप 20 या फिर टॉप 3 में आने का एक जज्बा होगा, आप वो टॉपिक रेगुलर पढ़ोगे एक कम्पिटिटिवनेस फील होगा, जितना ज़्यादा लोग अटेंड करोगे उतना ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस फील होगा, तो आई से आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, जितने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स एंड यूट्यूब वीडियोस के बारे में मैंने आज बात की सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज का कंटेंट पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत जल्दी मिलते हैं CGL 2024 के प्रिपरेशन ब्लॉग के साथ।